नदी में आए सैलाब से बह गई सड़क। देर रात हुई भारी बारिश के बाद देहरादून के पौंधा रोड से लगी गुलाटा नदी में आए पानी के सैलाब से भारी तबाही मचाई है। यहां सुबह के वक्त प्रेमनगर से पौंधा जाने वाला मुख्य मार्ग पानी के सैलाब की भेंट चढ़ गया। तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ आवाजाही ठप हो चुकी है। पानी के इस सैलाब में पुस्ता बह गया, सुरक्षा दीवार बह गई, खंबे बह गए और सड़क भी जमी दो जैत हो गई। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी मशीन के जरिए थोड़ा रास्ता खोलकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई है। पुलिस के जवान लगातार राहगीरों की मदद करते नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जाल की मदद से नदी की तरफ दीवार तैयार कर दो दिन में आवाजाही को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जानिए क्या है पूरा मामला। पचतून विकास नगर से डीसीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सर, यहाँ तो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया, क्या घटना घटी है? ये रात में एक्चुअली अतिवृष्टि हुई, जिसकी वजह से नदी ने अपना थोड़ा सा मार्ग चेंज करा, तो ये कटाव हो गया इस जगह पे। इसको हम तुरंत बनवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, वायर गेट लगा के हम टेम्परेरी रास्ता खोल रहे हैं और अभी तो फिलहाल जेसीबी लगा के रास्ता खुलवा रहे हैं हम, और कल तक हम वायर गेट वगैरह लगा के इसका रास्ता खोल रहे हैं। पूरा पूरी सड़क बह गई और पुस्ता वगैरह क्या क्या क्षति क्या क्या हुई है? क्षति तो इस जगह पर तो पुस्ता नहीं था, नेचुरल नदी ने कटाव किया है, उससे पीछे पुस्ता था और उसके लिए हम लोग वायर गेट की व्यवस्था कर रहे हैं। बिजली के कुछ खंभे भी बहे हैं? जी, ये खंभा बिजली का गया है, तो इसमें हम उसको बिजली विभाग को सूचित कर दिया है, वो लोग आकर अपना करते हैं। कब तक सुचारू होगा ये वायर गेट वगैरह? कब तक? वायर गेट दो दिन लग जाएंगे इसमें पूरा सुचारू करने में। टेम्परेरीली हम रास्ता खोल रहे हैं आज ही, लेकिन हाँ, वायर गेट लगने में दो दिन लग जाएंगे।